वेलकम टू माय एजुकेशनल यूट्यूब चैनल यूनिक स्टाइल ऑफ टीचिंग, जो कि आपको बहुत सारा एजुकेशनल मटेरियल प्रोवाइड करता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल पे कमेंट करें, मेरे वीडियोस पे कमेंट करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें और मेरे वीडियो का शेयरिंग भी कीजिए। फंक्शन के 4 लेक्चर्स पहले अपलोड हो चुके हैं। आज इस लेक्चर में 5th लेक्चर है फंक्शन पे, ये अपलोड होने जा रहा है। गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 5, फाइंड एफ ऑफ 3। पार्ट ए है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 5। आपने एफ ऑफ 3 फाइंड करना है, तो x को रिप्लेस कर दें 3 के साथ। 3 थ्री 9 प्लस 5, देन एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 14, और बॉक्स कर दें इसको ताकि आपका आंसर प्रोमिनेंट हो जाए। देन अ पार्ट बी, द फंक्शन जी इज डिफाइंड बाय जी ऑफ एक्स। अब अनदर फंक्शन है जी में है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस के। गिवन दैट जी ऑफ 0 इज इक्वल टू -15, फाइंड इसके 2 सब पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने वैल्यू फाइंड करना है k का, और देन x सच दैट g ऑफ x इज इक्वल टू 0। दो डिफरेंट कंडीशंस के साथ हम इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। अब नो g ऑफ 0 प्लग करें, x का वैल्यू जब 0 पर प्लग होगा तो ये हो जाएगा -3 और इन टू हो जाएगा k, क्योंकि x 0 है। अब g ऑफ 0 जो है दैट इज प्रोवाइडेड विच इज -15, -15 प्लग करेंगे इज इक्वल टू -3 के। नेगेटिव नेगेटिव ऑप्स में कैंसिल आउट हो जाएंगे और 3 को डिवाइड करेंगे, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा 15 के साथ, तो k विल बी 5, k का वैल्यू 5 आपको मिल गया, ये आपका डिजायर्ड आंसर है। अभी अनदर कंडीशन है, ये बेसिकली बी का सब पार्ट फर्स्ट था, अब बी का ही सब पार्ट 2। जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3 इन टू एक्स प्लस के। अब जी ऑफ एक्स जो है वो 0 है, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, तो आप 0 प्लग करें इज इक्वल टू 2x माइनस 3 और x प्लस के। k ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, तो हम कहेंगे x प्लस 5। अब यहाँ पे मैं आपको एक क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक करते हैं कि इनको आपस में पहले मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसके ऊपर मिड टर्म ब्रेक फार्मूला अप्लाई करते हैं, या इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं। ये इनअप्रोप्रिएट मेथड है, इस मेथड से आपका आंसर बेशक ठीक आ जाए लेकिन इसको आपने अडॉप्ट नहीं करना। ये देखें, 2 टर्म्स हैं, दिस वन एंड दिस वन, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और इनका प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 है, तो ऐसी सूरत में इधर और वाला फार्मूला आप अप्लाई करेंगे। ये क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। एक पेयर लें 2x माइनस 3 इज इक्वल टू, इसको 0 कर दें, उसके बाद दूसरा पेयर आपके पास क्या है, x प्लस 5 इज इक्वल टू, इसको भी 0 कर दें।
अब एक आंसर आपको एक्स का यहाँ से मिल जाएगा और दूसरा आंसर यहाँ से मिल जाएगा। अब करेंगे 2x इज इक्वल टू 3, पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव था दूसरी तरफ जाके ऐड हो जाएगा, इसका साइन चेंज होगा तो इट विल बी पॉजिटिव। वैल्यू हमने फाइंड करना है x का, तो 2 को जाके डिवाइड कर दें, x इज इक्वल टू 3/2। इसको मजीद अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहें, x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/1/2 या 1.5, जो भी आप इसको करना चाहें कर सकते हैं। नेक्स्ट, x इज इक्वल टू ये जो 5 है यहाँ पे प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये -5 हो जाएगा। तो 1.5 एंड -5, ये दो आपको वैल्यूज मिलेंगे आपके एक्स की। यही उसने पूछा था एक्स सच दैट, एक्स का अगर वैल्यू बताएं सच दैट जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। ये इसका बेसिक ऑपरेशन है, ये हमने परफॉर्म कर दिया। आप मेरी वीडियोस को बार बार देखें, इसमें अगर आपको कोई मसला हो तो आप मेरे सेल नंबर पर भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर और इसमें अगर आपका कोई चॉइस का वीडियो आप अपलोड करवाना चाहें तो उसके लिए मेरे कमेंट के ज़रिए आप चैनल में कमेंट भी कर सकते हैं, ताकि आपको आसानी हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल से फ़ायदा उठा सकें। अगर आपको ऑनलाइन टीचिंग सर्विसेज रिक्वायर्ड हों तो उसके लिए माय सेल नंबर है 0321 58 38 2 6 4। थैंक यू वेरी मच।